ये हमारे साथ हमारे भाई है, नाम नूम कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम, ठीक है। और चलो भाई, आपसे पहला क्वेश्चन है, आपने ग्राफी गिरा क्यों चूज किया? रैंडमली चूज किया था सर, रैंडमली ऑप्शन नहीं था मेरे पे, सो घर के पास था भैया, घर के पास सीधा रीजन घर के पास। वैसे तो हम तीनों हम एक ही स्कूल से हैं, पास आउट एक स्कूल से हैं, तो हमने सोचा था एक ही कॉलेज में जाएंगे, हम एक ही कॉलेज में आए हैं। अच्छा, दोस्ती ने डुबा दिया, दोस्ती ने डुबा दिया। सबसे बकवास कॉलेज, सबसे घटिया कॉलेज वो है ग्राफी गिरा पूरा उत्तराखंड का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम अपने घर से, जिम से नहीं करा मैंने क्योंकि आज मुझे जाना है थोड़ा सा कॉलेज। तो आज का जो व्लॉग होगा पूरा कॉलेज के ऊपर डिपेंड होगा। और आज के व्लॉग में आप लोगों को मैं थोड़ी सी बातें क्लियर करूँगा अपने कॉलेज के रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी लोगों को एक मिथ बना हुआ है हमारे कॉलेज के रिलेटेड, तो मिथ दूर करूँगा आप लोगों का। फिलहाल अभी मैं रेडी हो रहा हूँ, कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। कॉलेज क्यों जा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा काम है वहाँ पर, तो मैंने चलो ठीक है तुमको शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे उस कॉलेज में 6 साल हो चुके हैं तो इतना तो आइडिया हो गया होगा कि वो कॉलेज कैसा है, कहाँ पे अच्छा है कहाँ पे बुरा है, हर चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉलेज के ऊपर, तो अगर आप लोगों ने वो कॉलेज वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। उस वीडियो में नॉर्मल वीडियो थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, ऐसे सेनेप्टिक्स वगैरह थे कॉलेज के, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लेना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक और वो मिल जाए, क्या हिंट मिल जाए कि कॉलेज कैसा है क्या है। फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा। और हाँ, एक और क्वेश्चन जो लोगों के मन में डाउट रहता है वो है कि हिल अच्छा है डीम्ड अच्छा है, तो ये भी आज आप लोगों को बताऊंगा। सो फाइनली गाइज, वी आर इन ग्राफिक एरा, और आज आपके 2-3 सवाल के जवाब है जो मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल सबसे पहला एक सवाल जो सबके साथ होता है, और मतलब मेरे से भी तुम लोग ये पूछोगे कि वाई आई चूज़ ग्राफिक एरा, है ना। तो भाई देखो, मैंने चूज़ क्यों किया, मैंने चूज़ इसलिए किया क्योंकि हमारे चाचा जी भी यहीं से पढ़े हुए हैं और उनकी अच्छी खासी प्लेसमेंट यहाँ से नहीं हुई थी, तो बट आज अच्छी खासा पैसा कमा रहे हैं, ऐसी बात नो डाउट, ठीक है। और उसके बाद अब बात करते हैं कि मैंने क्यों चूज़ किया, तो मैंने मेरे चाचा जी ने बोला था यहाँ से पढ़ ले अच्छा खासा कॉलेज है, मैंने चलो ठीक है मम्मी को बोला फिर, है ना, एंड देन मम्मी ने आके यहाँ पर एडमिशन दिलवा दिया। अच्छा, एडमिशन लेने से पहले मेरा ही क्या थिंकिंग थी ग्राफिक एरा के लिए, मेरी थिंकिंग ये थी कि सबसे बकवास कॉलेज, सबसे घटिया कॉलेज वो है ग्राफिक एरा पूरा उत्तराखंड का, ऐसा मेरी थिंकिंग थी। वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी लोगों ने, जो लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, जो लोग यहाँ जाते नहीं, मतलब अनसन लोगों ने बन रखी थी कि भैया दुनिया में ना DAV चले जाना तुम, मतलब कोई भी कॉलेज चले जाना तुम, बट ग्राफिक एरा मत चल जाना भाई, बर्बाद हो जाएगा तू। मैंने अच्छा ठीक है, फिलहाल देख लो तुम्हारे सामने बर्बाद हूँ या नहीं हूँ तुम्हारे सामने। अब बात करते हैं कि मैंने ग्राफिक एरा से क्या किया है, तो मैंने हिल यूनिवर्सिटी से BTech किया था 4 साल का, 2016 से 2020, देन 2020 से 2022 तक मैंने MTech, अभी मतलब मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, एंड देन उसके बाद इन 6 सालों में मुझे जो लगा है, जो बातें मेरी मिथ थी, ये जो मैंने सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा ये सब चीज़ें मुझे झूठ लगी है भाई, मतलब एक चीज़ भी ऐसी नहीं लगी कि भाई सच हो गई। लोग पता नहीं क्यों बदनाम करते हैं कॉलेज को, आई डोंट नो, बट मेरे को तो ये बेस्ट कॉलेज लगता है भाई सच में। और आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोगों को कॉलेज के बारे में जानना ही है तो भाई प्लीज़ कॉलेज को एक बार विजिट कर लो भाई, ऐसे सुनी सुनाई बातों में मत आओ, लोग काफ़ी बदनाम करते हैं। तो इसके बाद एक और चीज़ आती है कि आपने BTech किया है, MTech किया, देन आपको प्लेसमेंट मिली नहीं मिली, तो देखो यार मेरे को यहाँ से प्लेस्ड नहीं हुआ था, मैं सीरियसली बताऊं तो वो क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि मैं कंपनी के क्राइटेरिया में नहीं हुआ था, और जो कंपनी आई थी बड़ी कंपनी को क्राइटेरिया नहीं रखती है 12th का, तो उसमें मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैंने मेहनत नहीं करी थी। आप देख लो मैं मेहनत कहाँ पे कर रहा हूँ आपके सामने, मेरा फोकस कहीं और था, मैंने अपने घर वालों के उससे BTech किया था। ऐसा नहीं कि BTech में अच्छा स्कोर नहीं किया था, BTech में भी अच्छा स्कोर किया था, देन फाइनल मैंने सोचा कि MTech करता हूँ। MTech क्यों किया, उसके पीछे कुछ रीज़न है, वो आपको मैं आने वाले व्लॉग्स में बता दूंगा। फिलहाल जो मेन चीज़ थी कि मेरा प्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ और इसका रीज़न क्या था, सबसे बड़ा इसका रीज़न था कॉलेज नहीं भाई, मैं था इसका रीज़न, और मैं अपने को ही जिम्मेदार देता हूँ, क्योंकि जब मेरे साथ का लड़का भाई 30 लाख का प्लेसमेंट लेकर बैठा है, एक मेरे साथ MTech में लड़का था मेरे साथ ये भी पढ़ रहा है, उसका 55 लाख का पैकेज था, देन अब सोचो आपकी गलती किसकी है, कॉलेज की है मेरी, कंपनी तो आ रही है ना कॉलेज में, दिक्कत किसके अंदर है, मेरे अंदर है। तो आप लोगों को एक चीज़ ये बोलूँगा कि यार कॉलेज को मतलब ब्लेम करना छोड़ दो कि कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होती है और कॉलेज के चक्कर में मेरे को नौकरी नहीं लगी। भाई नौकरी नहीं लगी तो उसके ऊपर तुम्हारी दिक्कत है, और मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर कमी है, कॉलेज के अंदर कुछ कमी नहीं है। तो ये चीज़ है, तो उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हुई थी, ऐसी बात नहीं है, वो भी कॉलेज के ही वजह से हुई थी, वो कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज के थ्रू एक एग्ज़ाम होता है कोक्यूब्स और MCAT का, अगर आप BTech कर रहे हो। अब होता क्या है उन चीज़ों में, जो एग्ज़ाम होते हैं कोक्यूब्स और MCAT का, उनके पैसे चार्जेस होते हैं, अगर आप दूसरे कॉलेज में हो या अगर आप बाहर भी हो तो आपके पैसे चार्जेस होते हैं, बट ग्राफिक एरा ऐसे कॉलेज है जो पैसे चार्ज नहीं करता। चेयरमैन सर जो हैं आपके घनसाला जी, ठीक है आप लोग जानते हो उनको, तो उन लोगों ने हमसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया, इनफैक्ट उनने कॉलेज के अंदर ही हमारा
एग्ज़ाम करवाया था एंड उसमें कुछ नंबर स्कोर करने होते हैं, तो मेरे वहाँ पे नंबर अच्छे स्कोर हुए थे क्योंकि लास्ट ईयर में प्रिपरेशन अच्छी हुई थी मेरी प्लेसमेंट की, तो उस चक्कर में मैंने वहाँ पे अच्छा स्कोर किया था। तो वो कंपनी क्राइटेरिया नहीं देखती, आपको डायरेक्ट ऑफर देती है, तो वहाँ से मेरा एक कंपनी में हो गया था। बट बाई चांस क्या हुआ, कोविड आया था, उस चक्कर में मैंने कंपनी में गया नहीं। बट जो प्लेसमेंट हुई थी कॉलेज के थ्रू हुई थी, एक प्लेसमेंट, ठीक है, कैंपस से नहीं हुई थी मेरी क्योंकि मैं क्राइटेरिया में सेट नहीं था। और जिस कंपनी आई थी, अमेजन वगैरह आई थी, एडोबी आई थी, एडोबी तो खैर लड़कियों के लिए आती है, लड़कों के लिए पता नहीं, जो बाकी कंपनी आई थी जी स्केलर, उसमें मेरा नहीं हुआ क्योंकि भाई मेरे मार्क्स नहीं थे इतने, पहली बात, सिंपल सी बात। प्लस ऊपर से मैंने मेहनत नहीं करी थी। अगर मेरे को ब्लेम करना है तो मैं अपने को ब्लेम करूंगा कि अगर मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई है, सिंपल सी बात है, कॉलेज में कोई कमी नहीं है। लोगों को बोलने दो, लोग बोलते रहते कि कॉलेज में कंपनी आती है प्लेसमेंट नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे साथ के लड़के बैठे हुए अच्छी अच्छी कंपनियों में। काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि ग्राफिकेरा हिल और डीम्ड क्या है, दो यूनिवर्सिटी है हमारी, हिल और डीम्ड। तो हिल में मतलब बेसिकली क्या है, आपका जो यूटीयू से एफिलेटेड है, और जो डीम्ड है वो अपनी खुद की यूनिवर्सिटी होती है। और इसके बाद आप लोगों को क्या होता है, एक डाउट होता है कि बेस्ट कौन सा है, हिल बेस्ट है या डीम्ड बेस्ट है। अब मैंने दोनों यूनिवर्सिटी से पढ़ रखा है, हिल से भी पढ़ लिया 4 साल, 2 साल यहाँ से पढ़ लिया है। इनफैक्ट अगर मैंने हिल से ज़्यादा भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं 4 सालों में डीम्ड भी बहुत बार आया हूँ, बहुत बार यहाँ के टीचर से भी मिला हूँ, बातचीत हुई है। तो बेस्ट कौन सी है भाई, बेस्ट तो एक ही होगी, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से मैं अपना पर्सनल जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ। ऐसा मत सुनना कोई कि मेरे को ग्राफिकर वालों ने बुला के यहाँ पे आप लोगों को बोला है कि भाई अच्छी अच्छी बातें करो, नहीं, मेरे हिसाब से मेरे को डीम्ड लगी है। क्यों लगी है, देखो मेन चीज़ है कॉलेज में आ रहे हो किस चीज़ के लिए आ रहे हो, पढ़ने के लिए। पढ़ने की बात करें तो यार पढ़ाई डीम्ड की अच्छी है, नो डाउट, अगर ग्राफिक ऐसा कोई देख रहा था भाई, डीम्ड की अच्छी है। अब मुझे वो अच्छी चीज़ें क्यों लगी डीम्ड से, डीम्ड से मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जो डीम्ड के टीचर है ना, मेरे को काफ़ी अच्छे लगे यार। मेरे को ना ऐसा लगा कि मेरे को एक, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं कोई बड़ा स्टूडेंट नहीं हूँ, ना मैं 90 पॉइंटर हूँ, मैं 70% वाला एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो मेरे को यहाँ पे ना जो पढ़ाई थी ना, अच्छे से समझ आई, टीचर ने जो कॉन्सेप्ट थे ना एकदम से क्लियर आए। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बीटेक में देखूँ, जब मैं हिल यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ के जो टीचर्स थे ना, मेरे को एकदम से समझ नहीं आती थी उनकी बात। नो डाउट वहाँ पे कुछ अच्छे टीचर्स थे, बट सारे परफेक्ट नहीं थे, इतना मैं कह सकता हूँ। बट डीम्ड में जब मैं एमटेक किया, तो सर थे जो विकास सर ने मुझे पढ़ाया है, और 2-3 सर और है, तो इनकी जो वे ऑफ टीचिंग थी ना, ये काफ़ी डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू हिल। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिल से प्लेसमेंट नहीं हुआ है, मेरे हिल में भी मेरे दोस्तों का 30 लाख का प्लेसमेंट लगा, और डीम ने भी मेरे दोस्तों का 30 लाख का प्लेसमेंट लगा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ाई में कहीं कमी है, शायद मेरे अंदर कमी हो सकती है ना, कि मेरे को उन टीचर को पढ़ाया समझ नहीं आ रहा है, मुझे किसी और टीचर के पास जाना चाहिए था। क्योंकि जब मेरे दोस्त का ही 30 लाख का प्लेसमेंट हो रहा है, और मेरे दोस्त का ही डीम से भी 30 लाख का हो रहा है, दोनों से, तो कमी शायद मेरे अंदर है, मेरे को ऐसा लगा। बट जब मैं एमटेक करने आया, तो मेरे को यहाँ पे पढ़ाई में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा कि भाई डीम में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, हिल में नहीं पढ़ाते हैं, मुझे ऐसा लगा है, ठीक है, ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है। बाकी देखो प्लेसमेंट दोनों जो दोनों यूनिवर्सिटी की जो प्लेसमेंट होती है एक साथ होती है, एक कंपनी आती है ना, और दोनों यूनिवर्सिटी से बच्चों की प्लेसड होती है, ऐसी नहीं कि हिल से नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी तक तो ये मेरा रिव्यू था, आप लोग बोलोगे भाई क्या पता पेड करवा दिया होगा चेयरमैन सर ने आपसे रिव्यू, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं भी यहाँ पे जितने भी रैंडम है मेरे साथ, मैं उनसे जाके पूछता हूँ, 3 क्वेश्चन पूछूँगा आपको, आप ग्राफिकेरा क्यों आए, ठीक है, आपको ग्राफिकेरा कैसा लगता है, और एक ग्राफिकेरा की बुरी चीज़ बताओ, है ना, क्योंकि भाई देखो हर चीज़ के भाई प्रोज भी होंगे कॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो अब आप लोग मुझसे भी पूछोगे कि भाई आपको क्या लगता है बुरी चीज़। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब आप कॉलेज में आते हो ना, सबसे पहले तो हर चीज़ बुरी लगती है, हर चीज़ बुरी लगती है। जैसे मेरे को क्लास के पर्दे अच्छे नहीं लगते थे, है ना, और बहुत चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें रहती कई लोगों की ना, जैसे मेरे अंदर थी। बट एक चीज़ बोलूँगा, 4 साल आपको हर चीज़ बुरी दिखेगी जब भी आप कॉलेज में रहोगे, बट जिस दिन आप पास आउट होगे ना, आपको हर चीज़ ऐसी लगेगी यार ये चीज़ ना सबसे बेस्ट थी यार, हर चीज़ बेस्ट थी कॉलेज में, हर चीज़, सही बता रहा हूँ। 4 साल आपको टीचर भी बेकार लगेंगे, आपको कॉलेज की सड़कें, पेड़ पौधे सब बर्बाद लगेंगे, फिर बहुत ख़त्म है भाई। बट आप जब पास आउट हो जाओगे उसके बाद हर चीज़ अच्छी लगेगी। तो फिलहाल अभी मैं पूछता हूँ यहाँ पे जाके सबसे ये 3 क्वेश्चन। ये हमारे साथ हमारे भाई है, नाम नूम कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम, ठीक है। और चलो भाई आपसे पहला क्वेश्चन है, आपने ग्राफिकेरा क्यों चूज़ किया? रैंडमली चूज़ किया था, ऑप्शन नहीं था मेरे पास, घर के पास था भैया, घर का सीधा रीज़न घर के पास। वैसे तो हम तीनों हम एक ही स्कूल से हैं, पास आउट एक ही स्कूल से हैं, तो हमने सोचा था एक ही कॉलेज में जाएंगे, हम एक ही कॉलेज में आए। अच्छा, दोस्ती ने डुबा दिया बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आई एम रिसीविंग फ्रॉम हियर, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि ग्राफिकेरा एक तो इट इज़ अ वेरी वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी इन उत्तराखंड, और उसके बाद जो हमारा कोर्स था वो एक्चुअली ना यहाँ पे और यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नहीं था। ये बहुत ज़्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटी थी और यहाँ पे कोर्स अवेलेबल था और बहुत अच्छा चल रहा था, प्रोग्रेस बहुत अच्छा कर रहा था। कि आपको ग्राफिकेरा कैसा लगता है? ठीक ठाक, पढ़ाई में खास नहीं लगा, गलती कर दी आके, इसमें वो प्रायोरिटी नहीं है ज़्यादा बच्चों की, बाकी
बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। जबरदस्ती डिबार करा गया और भाई देखो भाई जबरदस्ती तो नहीं किया होगा यार। नहीं जबरदस्ती तो नहीं है, अपनी गलती भी है। अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छी हैं यहाँ पर और टीचर्स काफ़ी सपोर्टिंग है, कैंपस अच्छा है, लश ग्रीन है, थोड़ी स्टूडेंट्स को थोड़ा आज़ादी फील होती है यहाँ पे स्टडीज़ के अपार्ट। और रैगिंग आपकी हुई है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा लगा एज आई एक्सपेक्टेड। कैंपस बहुत अच्छा है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, दे गिव अस ऑल देयर टाइम और फैकल्टी ऐसा है कि वो अपने करियर पे भी फोकस कर रही है, स्टिल दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च। ऐसा नहीं कि उनकी जॉब लगी तो या दे आर हियर ओनली, दे आर स्टिल, वो उनका ग्राफ स्टेबल नहीं है, दे आर ग्रोइंग एंड दे आर ऑल्सो वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस। ठीक, और एक चीज़ जो ग्राफी के देख के आपको खराब लगती है? कैंपस तो मतलब ठीक है, जैसे मैंने आपको बोलता ना किसी को, जैसे मेरे को पर्दे पसंद नहीं है ग्राफी के रह के, पर्दे अच्छे लगते हैं क्लास में, वो अजीब से है, लेकिन इनको कैंपस अच्छा नहीं लगता, जबकि कैंपस देख लो भाई तुम लोग देख लो। एक चीज़ जो ग्राफी करा की अच्छी लगती है? अरे एक चीज़ अच्छी लगती है, हाँ अच्छी अभी एक चीज अच्छा क्या लगता है? हाँ बुरी तो लगती होगी, बुरी तो सारी लगती है। चलो बुरी बता दो, एक बता दो बुरी। हाँ भैया कुछ भी कह लो, कोर्स कह लो, फैकल्टी, चलो फैकल्टी ठीक है, थोड़ी फैकल्टी अच्छी लगती है, फ्रेंडली है, मगर उसके अलावा तो कैंटीन बढ़िया है। और एक चीज़ जो बुरी लगती है? बुरी क्या लगती है भाई? पढ़ाई वो तो भाई लगेगी ना भाई। अच्छी चीज़ यही लग गई है कि इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, सेफ फील होता है और खुल के इन्जॉय कर सकते हैं, स्टडीज़ बहुत अच्छे से मन लगता है करने में क्योंकि बाकी चीज़ें भी साथ में हो ही रही हैं। तो और आपको बुरी चीज़ क्या लगी है? बुरी चीज़ टाइमिंग्स। अच्छा टाइमिंग किसकी? क्लासेस? यस। अच्छा आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? फूड टेक कर रहे हो, तो उसमें आपको टाइमिंग में प्रॉब्लम हो रही है? यस। देखो उतना टाइम तो देना पड़ेगा जितना कोर्स का है। हाँ चलो वो तो होता रहता है, जब पास आउट हो जाओगे तो फिर लगेगा यार वो टाइमिंग बहुत कम थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर वेरी डिसेंट इन हियर डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड दे आर एक्चुअली वेरी फोकस्ड। ओके फोकस्ड है। हाँ तो हिल के जो बच्चे वो फोकस्ड नहीं है? आप हिल के हो गया? मैं तो दोनों का ही, मैंने हिल से बीटेक किया और एमटेक कर रहा हूं। एज कंपेयर्ड मुझे डीम का कैंपस बहुत अच्छा लगता है, यहां के स्टूडेंट्स मुझे ज्यादा डिसेंट लगते हैं। तो मतलब हम डिसेंट नहीं है? नहीं मोस्टली इन जनरल मोस्टली मुझे डीम के बहुत डिसेंट लगते हैं। अच्छा चलो ठीक है, एंड आपको क्या खराब चीज़ लगती है ग्राफी के लगी जो आप चाहोगे कि इन फ्यूचर सुधारे? अभी तक मुझे ऐसे कोई इतनी खराब चीज़ कोई नहीं लगती, एवरीथिंग इज मैनेजेबल। अच्छा आप दोनों से एक क्वेश्चन है, आप दोनों गर्ल्स हो ठीक है, तो आप दोनों से एक क्वेश्चन है, आपको ग्राफी के में सेफ फील होता है? या क्या आप यहाँ पे सेफ हो, किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं? अब बात करते हैं कि आप लोगों को यहाँ एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, क्यों? सबसे पहली बात देखो जो ये है कि जो चेयरमैन सर है ना, बहुत बहुत मैं बोलूँ ना एकदम मतलब डाउन टू अर्थ बंदे हैं, जिनको मैं बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ, देखो मैं एग्जांपल सेट करके बोल सकता हूँ, ऐसे नहीं मैं हवा में बातें नहीं करूँगा। एक दिन बात है, हमारी चेयरमैन सर क्लास ले रहे थे, डेटा स्ट्रक्चर की क्लास लेते हैं सर सेकेंड ईयर में, मैं तब हिल यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ क्या हुआ सर की क्लास हो रही थी और हमारा कुछ सर ने कोडिंग का मैं कुछ पेपर वगैरह दिया था, देन उसमें हुआ ये था कि 11 से 12 सर की क्लास थी, तो सर ने बोला था कि इसको प्रिंट करके नेक्स्ट डे ले आना, हमने ठीक है नेक्स्ट डे, फिर से 11 to 12 सर की क्लास थी, हम प्रिंट नहीं कर पाए क्योंकि हमारा प्रिंटर जो ख़राब हो गया था, ठीक है वो उस दिन पिछले दिन पूरे दिन भर सही नहीं हुआ, ठीक है। अगले दिन हम चेयरमैन सर के पास गए, हमने बोला सर ऐसी सी बात है, हम प्रिंट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि प्रिंटर ख़राब था। आप लगाओ अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हो ना, वहाँ ये चीज़ काम करने के लिए ना हफ्ते भर लग जाते हैं, हफ्ते भर, एक एक हफ्ता लग जाता है। उस दिन क्या हुआ, चेयरमैन सर की जैसे ही क्लास ख़त्म हुई, हमने सर को बोला 12 बजे की बात है, 12 से 1 हमारा लंच था, 1:30 बजे नया प्रिंटर लग चुका था लैब पे, 1:30 बजे, 1 घंटे के अंदर ही आपका नया प्रिंटर लग गया। हम ऐसे कि चेयरमैन सर मतलब जो हमारे लिए करते हैं ना यार, बहुत ऊपर करते हैं यार, ऐसी बात नहीं है ठीक। एक और स्टोरी ये थी कि एक बार क्या हुआ, एक लड़का था हमारे बैच का था, नहीं शायद मेरे से सीनियर था, अब हुआ क्या था, वो जो लड़का था थोड़ा गरीब घर का था, तो इसलिए वो लैपटॉप नहीं ले पाया, तो सर ने क्या बोला, सर ने बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं मत लो, आपके लिए हमारे जो लैब्स है कंप्यूटर लैब 24/7 आपके लिए फ्री है, आपको जब आना है तब आओ लैब पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अपना लैपटॉप लेना ही लेना है, आपको ऐसी बात नहीं है, सर को अगर दिखता है ना आपके अंदर कुछ चीज़ क्वालिटी दिखती है ना, सर आपके लिए ना बहुत चीज़ें कर लेंगे, इनफैक्ट आपको ना ये लगता है कि भाई मेरे को यहाँ पढ़ना है और मेरे पास पैसा नहीं है, आप एक बार चेयरमैन सर से आके बात तो करो, फ्री में पढ़ा देंगे, ऐसी बात नहीं है। पढ़ा रहा था मेरे साथ थे लड़के जो भाई फीस नहीं भरते थे, बट चेयरमैन सर आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि जो चेयरमैन सर को इम्प्रेस कर सके। तो फाइनली ये सब थे रिव्यू यहाँ पे, और
मैंने आप लोगों को दिखा दिया जेन्युइन भी जो भी था, ठीक है। अब सबका अलग अलग परस्पेक्टिव है और देख लिया होगा आप लोगों ने, जिसको पढ़ना था वो पढ़ने वाली बातें कर रहा है, जिसको नहीं पढ़ना वो ना पढ़ने वाली बातें करता है, ठीक है ना। तो अभी चलता हूँ मैं घर। जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, होए होए ओ चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना।